हम इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे थे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नियम हमने लिखे, आज उसका अगला टॉपिक लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी आज्ञा व प्रार्थना के वाक्य। वो प्रश्नवाचक साधारण वो हमने कर दिए सबसे पहले। आज हम देख रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, किस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो देखना है। ये वाक्य प्रारंभ हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू डज डू या डू नॉट से तीसरा, प्लीज या काइंडली से। ये पहचान है इम्पेरेटिव वाक्य की कि इम्पेरेटिव है या उसके अलावा प्रश्नवाचक वाला साधारण है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे या डू या डू नॉट से शुरू होंगे या प्लीज या काइंडली से क्या होंगे, शुरू होंगे। तो आपको पहचान होनी आवश्यक है वाक्य की, इसलिए डायरेक्ट वाक्य में आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर देता है तो उसकी पहचान एक नंबर पर हो गई, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, सब्जेक्ट से नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, डू या डू नॉट से शुरू होगा, प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। तो इसके नियम बदल जाएंगे, रूल्स नियम बदल जाएंगे। क्या नियम होंगे? रूल नंबर एक, कुछ नियम बदलने हैं अपने को कि सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है। हम वहां टोल्ड और आस्क लगाया था, सलाह हो तो एडवाइज्ड लगाएंगे, आदेश हो तो ऑर्डर्ड लगाएंगे, चेतावनी हो तो वार्न लगाएंगे, प्रार्थना हो यानी प्लीज या काइंडली हो, प्लीज या काइंडली आया हो तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और ज्ञात ना हो सके तो आस्क लगाएंगे। तो सबसे पहला नियम ही बदल गया। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में जहाँ हम सेड टू के स्थान पर दैट का और आस्क का प्रयोग कर रहे थे, जब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा, जब वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डू डॉन डू या डू नॉट से या प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, तो वहाँ पर सबसे पहले सेड टू को बदलना है, और सेड टू को बदलने के बाद अगर वाक्य पढ़ने से पता लगे सलाह हो तो एडवाइज लगा देंगे, आदेश हो तो ऑर्डर लगा देंगे, चेतावनी हो तो वार्न लगा देंगे, प्लीज या काइंडली प्रार्थना के लिए आया तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और फिर भी ज्ञात ना हो तो वहाँ क्या लगा देंगे, आस्क लगा देंगे। पहला नियम ये बदलेंगे हम, ठीक है ना। सेट टू को बदलना है, सबसे पहला नियम चेंज हो गया यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस आते आते, तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दो नंबर इसका नियम आ जाएगा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिव TO2 जोड़ना है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इस बार हमें क्या जोड़ना है, टू कनेक्ट करने वाला वाक्य दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर देगा, जिसे हम कनेक्टिव बोलेंगे, टू जोड़ेंगे, और टू के बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और टू के बाद याद यही रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तीसरा टेंस प्रेजेंट में है तो नहीं बदलना है, यानी इसमें टेंस को कुछ नहीं बदलना है, टेंस वाला जो सारणी थी वो लागू नहीं करनी है, टेंस वाली सारणी लागू नहीं करनी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला नहीं लागू करना है और टोल्ड